हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मिस करता है तो उसके दवाइयों के मिस करने से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पेशेंट को होने वाले प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म उसको क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यदि कोई पेशेंट दवाइयों को अगर मिस करता है तो उसे मैनेज कैसे किया जाए, ये भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मिस करने से सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा प्रॉब्लम ऑब्वियसली यही होगा कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयों का ज़्यादातर इफेक्ट 24 से 48 घंटा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बहुत कम ही ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसका इफेक्ट 2-3 दिन से ज़्यादा चलता है। तो यदि आप दवाइयों को मिस करेंगे तो काफ़ी चांस है कि आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, कई बार ओवरशूट करेगा, यानी कि 160 से आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों की वजह से 120 था, पर 24 से 48 घंटे जैसे ही दवाइयों का इफेक्ट गया तो 160 पे आ जाएगा, और कई बार 160 के बदले 200 पे चला जाएगा, यानी ओवरशूट कर जाएगा, जितना होना चाहिए तो उससे और ज़्यादा चला जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब आप दवाइयों को मिस करते हो तो, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दवाइयों से क्योर नहीं होती, कंट्रोल होती है। आप जब दवाई लोगे बीपी कंट्रोल रहेगा, जब आप दवा बंद कर दोगे तो बीपी वापस बढ़ जाएगा। ये सडनली बीपी बढ़ जाने की वजह से पेशेंट कई बार हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि सडनली बीपी इतना शूट अप हो जाता है कि पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, पेशेंट का हार्ट, लिवर, किडनी या ब्रेन पर सडनली मार पड़ती है, असर पड़ती है, सिस्टम डैमेज होना चालू हो जाता है, पेशेंट को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है। कभी कभार मेजर हार्ट अटैक या लकवा या एओर्टिक डिसेक्शन या सडन किडनी फेलियर, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जिसमें बॉडी में परमानेंट डैमेज भी होता है और पेशेंट को ज़िंदगी भर उसका खामियाजा उतरना पड़ता है या उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो बेसिकली अगर आप दवाइयों को मिस करते हो तो उसके बाद जो बीपी शूटअप होता है वो संभालना इतना ईजी काम नहीं है, वो कई बार बहुत डेंजरस भी हो सकता है, उसमें जान का खतरा भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में हमने लकवा उस टाइम पर आते देखा है जब पेशेंट दवाइयाँ बंद या मिस कर देता है। इसके अलावा ये भी चेक करें कि अगर आप दवाइयों को मिस करते हैं बार बार तो ऑर्गन्स में परमानेंट डैमेज होता है, उसके बाद जब आप दवाइयाँ लेते भी हैं तो दवाइयों की कंपेरेटिवली इफेक्टिवनेस कम रहती है। ओवरऑल दवाइयों को मिस करने से आपका जो बीपी कंट्रोल है उसमें इफेक्टिवनेस कम रहेगा। जब आप लॉन्ग टर्म में कंपेयर करोगे कि ये दवाओं ने मेरे हार्ट को कितना प्रोटेक्ट किया, किडनी को कितना प्रोटेक्ट किया, ब्रेन को कितना प्रोटेक्ट किया, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको ये दिखेगा कि लंबे समय तक दवाइयाँ लेने के बावजूद भी, क्योंकि आप दवाइयों के डोज मिस कर रहे थे तो आपको बार बार तकलीफ आ रही थी, एक एक ऑर्गन में आपको डैमेज थोड़ा थोड़ा हो रहा था। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप दवाइयों को मिस करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म जो प्रोटेक्टिव एक्शन दवा का होना था, आपको हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से, लकवों से, अलग अलग चीज़ों के डैमेज से बचाने का जो काम था वो नहीं हो पाएगा, वो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो आप जिसके लिए दवाई ले रहे थे। ऑब्वियसली आप दवाई इसलिए नहीं लेते कि आपको सिर्फ नंबर रिड्यूस करना होता है, आप इसलिए दवाई नहीं लेते कि 160 का मुझे 140 करना है कैसे भी करके, क्यों मेरी रेस लगी हुई है, कैसे भी मुझे 140 का बीपी चाहिए या 120 का बीपी चाहिए। आपका इंटेंशन यही होता है कि अपनी बॉडी को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि 160, 180, 200 बीपी से मेरे सिस्टम में डैमेज ना हो, मेरे को नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए आप दवाइयाँ लेते हो। लेकिन जब आप दवाइयाँ मिस करते हो तो ये पर्पस डिफीट हो जाता है और आपको लॉस होता है। इसके अलावा मेडिसिन के प्रति बॉडी में रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। कई बार अलग अलग मेडिसिन को मिस करने से रिसेप्टर लेवल पर अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसकी वजह से जब आप बाद में दवाई लेते हो तो या तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा या बहुत कम आएगा, तो आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। दवाइयों को सडनली मिस करने से या बंद करने से कॉम्प्लिकेशन होने का, प्रॉब्लम्स होने का, ऑर्गन डैमेज होने का, सब चीज़ों का चांस बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म आपको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, बीपी के बढ़ने का चांस भी बढ़ जाता है। बार बार बीपी आपका ओवरशूट करता है या आपकी किडनी पर और बीपी कंट्रोल सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। यही कारण है जब बार बार आपको बीपी कंट्रोल आउट ऑफ बाउंड जाएगा, जब आपका कंट्रोल सडनली छूट जाएगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी, आपका ओवरऑल आपको भर्ती करने की आवश्यकता होगी। इससे आप ये मान के चलिए कि आपका हेल्थ केयर कॉस्ट कम होने के बदले उल्टा बढ़ जाएगा। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप दवाइयाँ मिस करके आप एक साल भर में 10,000 15,000 जो भी बचाते हो पैसा, अगर एक बार भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या एक बार हाई बीपी, लो बीपी या कोई भी कारण से आपको भर्ती करना पड़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर
इसमें आप जितना दवाई है उसमें पैसा आपने बचाया वो एक ही दिन में निकल जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि एवरेज एक हॉस्पिटल में अगर आप पेशेंट को आईसीयू में अगर भर्ती करते तो किसी भी हॉस्पिटल का दवाई वगैरह मिला के लगभग 10-15 हज़ार बिल आ जाता है। ज़्यादातर आप पेशेंट को भर्ती करते हो तो एक दो दिन आपको भर्ती करना पड़ता है, तो वैसे केस में आपका कॉस्ट लगभग 15 हज़ार जितना आपने पूरे साल भर में बचाया वो एक ही दिन में निकल जाता है। और ऑब्वियसली एक बार कोई सिस्टम डैमेज हुआ या कोई ऑर्गन डैमेज हुआ या परमानेंटली आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं होती है और ज़िंदगी भर आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो ये बड़ा इशू है कि आप अपनी हेल्थ को बचाने चाहते हो कि सिर्फ पैसा बचाना चाहते हो, कि एट द एंड ऑफ द डे ना पैसा बचेगा और ना हेल्थ, तो दोनों एंड्स पे आपको नुकसान होगा। तो इसलिए ओवरऑल आप 5 साल या 10 साल में कैलकुलेट करोगे कि दवा लेने पर मुझे कितना खर्चा होने वाला था उसके कंपैरिजन में दवा नहीं लेके, और कितने बार आपने एडमिशन हुआ, कितने कॉम्प्लिकेशन हुए, कितने बड़े ऑपरेशन सर्जरी हुआ, कितना लकवा आया, कितना हार्ट अटैक आया, इसको कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट के माध्यम से भी आप जब डिस्कशन करोगे तो आपको यही मिलेगा कि आपने नुकसान का सौदा किया, घाटे का सौदा किया, फ़ायदा कुछ नहीं मिला। दवा बंद करने से आपको लॉन्ग टर्म कुछ बेनिफिट नहीं मिला, ओवरऑल आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी कॉम्प्रोमाइज होगा यदि आप दवाओं में गड़बड़ करते हैं, मिस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मृत्यु दर में भी कई गुना बढ़ोतरी होगी। कई बार ये अलग अलग तरह की दवाओं के डोजेस के एडजस्टमेंट और दवाओं को मिस करने की वजह से, या कई बार भर्ती वर्ती जब करना पड़ता है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है और आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे सिस्टम्स भी बढ़ने लगते हैं। यदि आप रेगुलर तरह से शांति से दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आपका ओवरऑल इस बार बार की माथापच्ची और टेंशन और एडमिशन का चक्कर नहीं रहेगा और आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस लॉन्ग टर्म कम रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आप शांति से अपनी लाइफ जी पाओगे। कई बार ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम का डोज मिस कर देते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस भी बहुत होते हैं, यानी कि मॉर्निंग का डोज मिस कर दिया तो सुबह बीपी बहुत शूट अप हो गया, रात का डोज ले लिया तो बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। ये बीपी के फ्लक्चुएशंस भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपके ऑर्गन डैमेज में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल ब्लड प्रेशर रहेगा, लोअर साइड पे मेंटेन रहेगा, स्टेबल से ये मतलब नहीं है कि आप 180 पे मेंटेन करके स्टेबल रखो, आप ऐसा मत करिए, पर अगर 130 के आसपास रखा और फ्लक्चुएशन बहुत कम हुआ, 5-10 का ही फ्लक्चुएशन हुआ, तो आपका लॉन्ग टर्म ऑर्गन ज़्यादा चलेंगे और बॉडी को अच्छा मैनेज करने में ईजी पड़ेगा। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर कभी 110 जा रहा है, कभी 100 जा रहा है, कभी 180 जा रहा है, फिर 200 जा रहा है, फिर 50 आ रहा है, अगर इतने वेरिएशंस चलते रहेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत ही आएगी, सारे सिस्टम डैमेज होने का चांस कई गुना ज़्यादा ही होगा। तो यदि आपको अपना अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए और अच्छा ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है और टेंशन फ्री सर्वाइवल चाहिए तो आपको दवाइयों में ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये फ़ायदा देने के बदले सिर्फ नुकसान ही देती है और आपके ऑर्गन्स को लॉन्ग टर्म में डैमेज ही होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।